दर्शकों नूं अज असीं लै के आए जी गुरद्वारा तख्त पूरा साहब। तख्त पूरा साहब इत्थे तीन पातशाहियां जी अपने गुरद्वारा साहब दे विच उन्होंने चरण छोह प्राप्त है। जिन्हें भी साडे तख्त टीवी दे दर्शक हैगे अज असीं उन्हां नूं तख्त पूरा साहब गुरद्वारा साहब दे दर्शन करावांगे। इत्थों दा इतिहास की है तुहानूं इतिहास बारे जाणू करावांगे। आओ जी अज आपां पहलां इत्थों दे हैड ग्रंथी बाबा बलकार सिंह जी है जो इत्थों दे तख्तपुरा साहिब गुरुद्वारा साहिब दे मेन हैड ग्रंथी है जो उन्हां नाल आपां गल्लबात करदे हां। इत्थों दा नाले इतिहास है जिहड़ा पहले पातशाही दा छेवीं पातशाही दा दसवीं पातशाही दा इतिहास है इन्हां तों पुछदे हां आपां। बाबा जी सब तों पहलां वाहिगुरु जी खालसा खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जी बाबा जी एक अपनों ये दसो जिहड़े ते तख्तपुरा साहिब दे विच पहले पातशाही जी दा नानक पातशाह जी आए थे किस टाइम पर आए थे जी कि उदासी भी लाए थे किदा आए थे जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी दूजी उदासी समत 1567 विच आरंभ की। उस उदासी वेले इत्थे गुरुद्वारा नानकसर चर तख्तपुरा विखे चरण पाए। जी 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 ते बाबा जी इत्थे इन्होंने किदा उधार किया लोगों का इत्थों का की इतिहास है सानू इहदे पूरे इतिहास बारे जाणू कराओ बाबा जी। ठीक है। जिस समय श्री गुरु नानक देव जी इत्थे पहुँचे इत्थे एक झड़ी सी। झड़ी विच भरथरी अते गोपी चंद नाम दे दो जोगी रहिंदे सन। वो आपस विच मामा भांजा सन। समय समय तो होर भी साधु इत्थे आ के तपस्या करदे सन। एक मिथ अनुसार कहा जाता है कि श्री गुरु नानक देव जी जोगियों को सुमेर पर्बत ते पहुँचे तो उत्थे भरथरी नूं दस्या कि तेरा संयोग जूनागढ़ की राजकुमारी नाल है पर उत्थे पहुँचन विच तेरे कोल 8 पैर का समा है। जे तू ना पहुँचया तो उसने मर जाना है तो तेनू उस नाल विआह करवाउण लई दूजा जन्म लेना पवेगा। भरथरी ने सिद्धा नूं बेनती की कि मैनू उत्थे पहुँचाया जाए। जब वड्डे वड्डे भगत जवाब दे गए इस असीं इस घट समय विच नहीं पहुँचा सकते साढ़े विच समर्था नहीं है तो भरथरी की बेनती करते गुरु जी ने भरथरी नूं एक पैर विच जूनागढ़ पहुँचा दिता। गुरु जी ने भरथरी की शादी जूनागढ़ दे विच राजकुमारी नाल करवा के उत्थे वसण की सिक्ख्या दित्ती। जी इत्थों दे विच जो इन्हां ने सिक्ख्या दित्ती है भरथरी की है ना जी बाबा जी जो भी है इस अलावा गुरु नानक पातशाह किन्ना समा रहे इत्थे जी। इत्थे कोई सवा महीना रहे जी। पहले पातशाही दे नाल नाल इत्थे छेवें पातशाही जो मीरी पीरी दे मालक है उन्हां दी भी चरण छोह प्राप्त धरती है। इसे स्थान ते ही छेवें पातशाही मीरी पीरी दे मालक भी इत्थे हाजिर होया है। आपां उन्हां बारे भी जानते हैं बाबा जी छेवें पातशाही मीरी पीरी दे मालक इत्थे भी आए है वह भी किस समय ते कदों किन्ना टाइम रहे इत्थे। मीरी पीरी दे मालक श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी भाईकी डरोली तो महाराज जाते हुए इस स्थान पर गुरु नानक देव जी के पावन स्थान के नज़दीक ही बराजे सन। छेवें पातशाह ने कोई सवा महीना रोक के सिक्खी का प्रचार किया। श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी की याद में इलाके संगत ने स्थान की सेवा करवाई है जो अज सुंदर दरबार बनया होया है। एक बाबा जी दसो जी महाराज पिंड की जंग हुई है जी अपने इतों तकरीबन मेरे ख्याल 30-35 किलोमीटर दूरी से स्थिति है ना जी। हाँ जी, हाँ जी। ते उस तो बाद छेवें पातशाही आए जी इतों होके गए इतों होके फिर महाराज पिंड गए गुरु साहब महाराज तो महाराज पिंड के जंग हुई थी। हाँ जी वो अपने इस स्थान नाल कोई संबंधित है कुछ नहीं इतों गए है जी इतों गए थे। हाँ जी इतों गए थे जंग लड़ी उन्हें फिर फतेह प्राप्त करती छेवें पातशाही जी भी आए है जीव दुनिया के मालक है जो पहले पातशाह गुरु नानक महाराज जो जिन्होंने तारों सारा दुनिया में उतारिया उस छेवें पातशाही जी महाराज की जंग तो पहला स्थान पर आए हैं। ये नाल दसवें पातशाह जी गुरु गोबिंद सिंह जी भी इस स्थान पर आए है। इन्हां नाल आपां पुछदे हैं भाई बलकार सिंह जी ने जो इतों के कथावाच हैड ग्रंथी भी है इन्हां नाल गलबात करते भी दसवें पातशाह जी आए हैं जी उन्होंने बारे भी सू इतिहास बारे दसो जी। सू जी दसवें पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी आनंदपुर किला छड़न उपरंत रायकोट लंबे जटपुरे अते चक्कर होंदे स्थानों तो होंदे इस स्थान पर पहुँचे जी। ज्ञानी ज्ञान सिंह अनुसार
जदों गुरु जी इत्थे पहुँचे तो उन्होंने प्यास बहुत लगी सी। उन्होंने घोड़े ने सुम मार के पानी कढ़िया सरोवर प्रगट किया जी। इस सरोवर विच गुरु जी ने सने घोड़े इनान किया अते नाल दे सिंघां नाल जल छकिया। इत्थों गुरु जी पाका साहिब मदेके होंदे होए दीना साहिब पहुँचे जिथे उन्होंने एक जफरनामा लिखा। अज इत्थे श्री गुरु गोबिंद सिंह दी याद नूं दर्शाउंदा बहुत सुंदर दरबार बनिया है। भाजी एक जो दशमेश पातशाह जी इत्थे आए है वह भी कितना समा रहे इत्थे जी? वैसे इतिहास कोई तीन दिन दादा कोई किन्ने दिन दादा जी। ठीक है, उन्होंने जिहड़ा इत्थे सरोवर बनिया बाहर इस स्थान पर घोड़े नूं इशनान करता कराए ते आप इत्थे आ जी। इस तो बाद चो जरा जफरनामा औरंगजेब नूं भेजा सीगा जी, इत्थों नाल ही स्थित है जी उस स्थान भी। इस तो बाद दे विच पहुंचे से उत्थे इत्थों पाका साहिब गए, पहला पाका साहिब गए उत्थों फिर दीना साहिब गए जिथे जफरनामा लिखा है। देखो जी आपां तुहानूं पिछली वीडियो दिखाई सी गुरद्वारा जफरनामा साहिब दी जी। देखो जफरनामा तो बाद चो गए है, पहला इस स्थान पर आए है जी। इस स्थान पर गुरु साहब जी ने यह नहीं पता दो दिन के तीन दिन इस स्थान पर रहे है, इनान पानी किया। इस तो बाद चो गुरद्वारा दीना साहब जो लोहगढ़ के नाम जाना जाता है उत्थे स्थान स्थित है ये, उत्थे जफरनामा भेजा से औरंगजेब साहब नूं। तुसीं साडियां वीडियो देख सकते हो पिछे पईआं होईआं साडी वीडियो। इहदे नाल नाल इत्थे बाबा बघेल सिंह जी भी, बाबा जी मैं सुनिया नाम इत्थे बाबा बघेल सिंह दे नाम भी, उन्हां दे बारे इतिहास की है इत्थों? बाबा जी सिख पंथ दे उगे जरनैल सरदार बघेल सिंह जी ने दिल्ली फतेह करन तो बाद इत्थे खूह लगवाया सी जी, जो अज भी इत्थे मौजूद है। ਉਹ ਖੂਹ ਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗਾ? ਕੁਝ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਖੂਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ। ਖੂਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਛਕਾਉਣ ਲਈ ਖੂਹ ਬਣਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਤਿੰਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਖੂਹ ਹੈਗਾ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂਹ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਤਿਹਾਸਕ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।